मैं 50,000 की गारंटी लगा रहा हूँ, जिसको लगाना हो लगा ले। मैं प्रधानमंत्री के लिए हर मुसलमान अपना सर भी कटा दूंगा, कोई फर्क नहीं, मगर दूंगा तो कमल के फूल नरेंद्र मोदी को। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक मैंने जीवन में देखा नहीं। कोटेदारों को 2002 से आज तक के पैसा जोड़ के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हर पब्लिक को गल्ला फ्री दे रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव अब की बार प्रधानमंत्री कुर्सी हिला के रख देंगे। ना नरेंद्र, ना अखिलेश, मैं बाजी लगाने के तैयार हूँ। ना अखिलेश, ना राहुल, ये सब वापस जाए अमेठी से और हमारी कुर्सी फिर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। मैं 50,000 की गारंटी लगा रहा हूँ, जिसको लगाना हो लगा ले। आपको अभी जिस मैं वीडियो से रूबरू कराने वाला हूँ वो कुछ और वीडियो नहीं बल्कि मुसलमानों ने यो भी यूपी में कितना दहाड़ किया। देखिए किस तरह से मोदी जी को सपोर्ट करते हुए किस तरह से बोला, आपको कड़क जाएगा, वो भी मोदी भक्त के लिए। जरूर वीडियो आप देखिए पूरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज है। मोहम्मद इम्तियाज जी, ये बताइए 24 में लोकसभा से, अमेठी लोकसभा से सांसद कौन? सांसद स्मृति ईरानी जी होंगी। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी होंगे। किसी की ताकत है उनको हरा दे, मैं बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ। स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद होंगी फिर, और आपके पूरे देश में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। और जितनी सुविधा इनके राज में है उतनी सुविधा कभी नहीं हुई। गुंडा जितने हैं सब बिल में घुस गए हैं। हर सामान सबके जगह जगह मिल रहा है, बिजली 24 घंटा मिल रही है। खाली तनी से किसान के लिए बैल से परेशान हूँ बस, और कोई परेशानी नहीं। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक मैंने जीवन में देखा नहीं। कोटेदारों को 2002 से आज तक के पैसा जोड़ के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हर पब्लिक को गल्ला फ्री दे रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव अब की बार प्रधानमंत्री कुर्सी हिला के रख देंगे। ना नरेंद्र, ना अखिलेश, मैं बाजी लगाने के तैयार हूँ। ना अखिलेश, ना राहुल, ये सब वापस जाए अमेठी से और हमारी कुर्सी फिर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। मैं 50,000 की गारंटी लगा रहा हूँ, जिसको लगाना हो लगा ले। 50,000 रुपए की शर्त? 50,000 की शर्त? अरे ये चैनल हेडलाइंस इंडिया, हेडलाइंस इंडिया, पूरा देश देखता है, देश देखेगा, कोई हर्जा नहीं मेरे लिए। मैं प्रधानमंत्री के लिए हर मुसलमान अपना सर भी कटा दूंगा, कोई फर्क नहीं, मगर दूंगा तो कमल के फूल नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को स्मृति ईरानी को मेरा तरफ से मुबारकबाद आज से मैं दे रहा हूँ। उनकी जीत पक्की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। टाटा बिड़ला यहाँ नहीं चलेगा, हाथ हिलाने से काम। यहाँ पे जो काम करेगा, जो रोज दौड़ा करेगा, स्मृति ईरानी जी को और दिया जाएगा। यह मुसलमान है, अब की बार हारेंगी। अरे आपके कहने से हारेंगी? राहुल भैया कह रहे हैं, मैं थोड़ी राहुल को कहने दीजिए, आप पत्रकारों को कहने दीजिए। मैं स्मृति ईरानी जीतेंगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, सरकार उनके बनेगी, 400 से ज्यादा से आगे पार करेंगे। 400 से आगे। अरे कह रहे आपकी बार मोदी जी अपनी गद्दी बचा ले, वही काफी है। गद्दी नहीं, ये लोग अपनी कुर्सी बचा ले, 5 सीट जाएगी। हाँ। बस 5 से ज्यादा नहीं होगी। हाथ हिलाने से नहीं सरकार बनेगी। काम दिखाओ, गुंडे बिल में घुस गए। हाँ। जगह जगह काम हो रहा है, विकास, ओवर ब्रिज बन गया, हर सामान मिल रहा है किसानों को। हाँ। खाद मिल रही है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है। हाँ। और क्या चाहिए? हर गरीबों को गल्ला फ्री मिल रहा है, हर गरीबों को गल्ला फ्री मिल रहा है। अरे तो प्रधानमंत्री बनाओगे जब राहुल गांधी को, तभी तो मिलेगा। मोदी थे तो मोदी देंगे। मैंने देखा कोटेदारों को हक मार लिया 2002 से आज तक के, यही प्रधानमंत्री बने रहा है। हमारी शुभकामनाएं के लिए कि आज कोटेदारों की आदमी बना दिया, पैसा सब भुगतान किया। ऐसे सरकार मालिक करे मेरे तरफ से जीवन भर रहा है। अच्छा, हाँ, जीवन भर जिंदाबाद। अरे योगी मोदी जिंदाबाद, और क्या। लेकिन बुलडोजर वाले बाबा है योगी तो। अरे योगी वो भी मेरा है खास, वो भी अच्छे अच्छे गुंडों को हिलवा दिया, बढ़िया है, अच्छा अच्छा माफिया को हिलवा दिया। क्या आप पत्रकार जी कांग्रेस की तरफ से बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस वाले
अरे कैलाब की बार मोदी जी गए कांग्रेस वाले कह दीजिए नदी उस पार चले गए। हाँ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ये लोग। अरे महाराज नरेंद्र मोदी 400 से आगे सीट से जीतेंगे, किसी की ताकत नहीं रोक ले। ताकत है राहुल गांधी की, अरे राहुल प्रियंका गांधी की, ममता दीदी की, सोनिया गांधी की। सुनिए तो बताया जाए, मैं आज जो आप कह रहे हैं हम उनको कह रहे हैं सोनिया को, सोनिया क्यों नहीं लड़ी, क्यों सांसद में भाग गई, लड़के देखती रायबरेली भी खतरे में, अमेठी भी खतरे में, सुल्तानपुर खतरे में, प्रतापगढ़ खतरे में, उन्नाव भी, गोरखपुर कहाँ कहाँ से को सीट जीत जाएंगे तो भाई मोज बढ़वा दूंगा, दही नहीं रखूंगा। चाचा जिंदाबाद, भाई मोज बढ़वा दोगे? मैं जिंदगी में कह रहा हूँ, मेरी शुभकामनाएं आज रमजान के महीने में नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये जिंदगी भर प्रधानमंत्री रहेंगे। वो तो कह रहे आपकी बार 24 में कुर्सी हिला देंगे, कुर्सी अपनी बचाओ, वो अपनी बचाओ, 20,000 वोट पाएंगे बस, घर वाली कुर्सी पहले बचाओ, किसका पाएंगे, क्या किया इन्होंने? कुर्सी के चार पाए हैं, एक को पकड़ेंगे राहुल भैया, एक को पकड़ेंगी प्रियंका दीदी, एक को पकड़ेंगी सोनिया गांधी, एक को पकड़ेंगे अरविंद केजरीवाल, एक को देखो पाए पाए पकड़ने वालों की संख्या ज्यादा है। यही तो आपसे, यही तो बता दिए, पकड़े पकड़े पांच जने पकड़ लिए, पांच जने रह गए, मैं 400 से पार किया, 400 से आगे जा रहा हूँ। नोट कर लीजिए पत्रकार जी, आप इसका मतलब कांग्रेस के आदमी हैं। अच्छा कांग्रेस के आदमी और क्या, जो मुसलमानों को भड़का रहे हैं, मुसलमान जितते हैं सब नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को, स्मृति ईरानी को वोट देंगे। ये गरीबों को कॉलोनी किसी ने दिया? नहीं, प्रधानमंत्री ने दिया, गल्ला फ्री आज तक के 5 साल फिर फ्री कर दिया, वही पुल पर चल के आए। ये देखिए पुल आज तक किसी ने नहीं बनवाया, वही पुल पर चल, किसी के पेट में बच्चा हो या कुछ हो सांस गाड़ी लेके चला जा रहा है, और किसी ने किया? स्मृति ईरानी खाली हाथ हिला ले तुम सीट जीत जाओगे, काम करो काम। मोदी ने क्या कर दिया? मोदी ने ये कर दिया, 24 घंटा बिजली, पुल बनवाया, गरीबों को राशन फ्री दिया। वो तो कह रहे हिंदू मुसलमान करता है मोदी जी। कौन कहता है? कहीं दंगा हुआ ये कह दे कि गुंडे सब बिल में घुस गए, ये मेरे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। तो आप चाहते हैं कि मोदी रहे? मोदी जिंदगी भर मेरा मेरा खून भी मांगे के मैं दे दूंगा, वही बने रहे। आप क्या चाहते हैं? पीएम प्रधानमंत्री रहेगा, है और रहेगा, हम तो चाहे हमेशा रहे, हमेशा रहेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, कौन बनेगा प्रधानमंत्री और लोकसभा कौन जीतेगा? हमारी दीदी स्मृति ईरानी अमेठी से लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं, मैं अभी से दावा कर रहा हूं, और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, हैं और हमेशा वो रहेंगे, जब तक वो हमारे देश में हैं तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी हैं, अखिलेश भैया हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ममता दीदी हैं, मायावती हैं, ये कहाँ जाएंगे? हवा है ये, सिर्फ हवा है, ये सिर्फ हवा है। हवा जी बिल्कुल, जैसे ये हवा में मोदी जी की कुर्सी उड़ जाएगी। कुर्सी तो मोदी जी के आने से हवा तो ये उड़ गई ना जी। माननीय मोदी जी, मोदी चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। अमेठी लोकसभा चुनाव से हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी की जीत है, पक्की है। हम लोग 100% हम लोग नमाज से निकले हुए हैं, रोजे के महीने में कोई झूठ नहीं बोलने वाले हैं। दीदी स्मृति ईरानी लोकसभा अमेठी से चुनाव जीत चुकी हैं, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की कुर्सी इस बार फिर ताजों से सजेगी, और सजी है जी, सजेगी जी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजान खान है। फैजान खान, फैजान भैया सबका बदला लेंगे, क्या होगा आपकी बार? 400 पार होगा आपकी बार। राहुल भैया, राहुल भैया तो राहुल भैया एक तरफ से आप आए हुए हमको लग रहा है। अच्छा? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमेठी जब से दीदी स्मृति ईरानी आई हैं, चाहे वो ओवर ब्रिज हो, चाहे अंडर पास हो, चाहे गरीबों का कॉलोनी हो, 2.5 लाख रुपए डायरेक्ट एक गरीब आदमी अपने खाते में पा रहा है, और जिसका घर एक अमीर आदमी बगल ये सोचता था कि ये कल बेच के चला जाएगा, मैं लिखवा लूँगा, आज वो आदमी घर बना के रह रहा है, वो किसकी देन है? सिर्फ नरेंद्र मोदी, ये नरेंद्र मोदी फैक्टर जो चल रहा है, वही विश्वास है, वही विश्वास फिर से आएगा, 400 पार होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ये आप राहुल जी और जिसका जिसका आप नाम ले रहे हैं, उनकी तीन से चार सीट अमेठी वाले बता रहे हैं, उनको 3 से 4 सीट मिलेगी, और नहीं तो आप, और सुनिए, अमेठी से आप दीदी के सामने
चैलेंज के साथ उनको लड़वा दीजिए, समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है अमेठी में, फैक्टर क्या चल रहा है। अभी अमेठी वाले चैलेंज दे रहे हैं राहुल भैया 101% क्यों दे रहे हैं? अगर अपने घर में आप रहते थे, आपका घर ही डिस्टर्ब चल रहा था, आप अपने घर नहीं समझ पाए कि घर में क्या चल रहा है। जब हम लोग ना ओवर ब्रिज, ना अंडर पास, ना बाईपास, आज आप अमेठी घूमिए तो लगता नहीं कोई बाहरी आता था तो जाम में होता था, वो खुद आते थे तो जाम में होते थे। उस दिन आए थे, दीदी जी ने देखिए पुल बनवाया था, आराम से चल के चले आए आराम, और जाम नहीं लगा, और घूमते घूमते चले आए, पहुंच गए। तो कुल मिला करके जो ये चल रहा है फैक्टर 400 पार, वो चलेगा, वो रुक नहीं सकता। यानी मोदी 400 पार 100% भैया हो गए, मोदी 400 पार हो गए और दीदी स्मृति ईरानी अमेठी जीत चुकी हैं, और जिसको जितना बोलना है वो बोले। एक बार तो कुर्सी टिकट मंगा ही रही है। अरे उनकी कुर्सी टिकट मंगा रही है ना, वो तो ऐसे कुर्सी में नहीं है, वो ऐसे कुर्सी में नहीं है, उनकी कुर्सी टिकट मंगा रही है, किसी नहीं टिकट मंगा रही है। आपको इससे पहले चुनाव हुए, हर जगह चुनाव हुए, अगर ये फैक्टर चलता, गारंटी एक चल रही है ना, मोदी गारंटी चल रही है, वही गारंटी आएगी, वही 400 पार होगा। और आप इसको नोट करिए, जो हो गया आप प्लस में जाएंगे, माइनस में। और इनकी गारंटी अभी तक का भारत जोड़ने चले, जो अपना घर नहीं जोड़ पाया, जो अपना परिवार नहीं जोड़ पाया, जो अपने समाज को नहीं जोड़ पाया, वो कैसे भारत जोड़ेगा भैया? आप बताइए, आप एक विद्वान आदमी हैं, हमसे ज़्यादा आप पूरे देश दुनिया का आप चला रहे हैं, जब आप अपना परिवार आप नहीं जोड़ पाएंगे तो आप देश कहाँ से जोड़ पाएंगे? चाचा भैया, पक्का मोदी की गारंटी है 400 से पार है, क्यों रोक ना पाया, क्यों रोके ओके ना उनका लावा लिख के दे दी स्टाम्प पेपर पर 100 रुपया के। हाँ, जेका बाजी लगाओ को चंदा लगा के बाजी लगा दे, राहुल गांधी जीतेंगे, राहुल गांधी गर्दा हो गया है। हाँ, 20,000 रोड पन्ने बस। हाँ, मोदी 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 स्मृति ईरानी दुनिया के अलावा तीसरा क्यों नहीं ना। चलिए, जनता जनार्दन की अपनी राय है, तरावी की नमाज पढ़ के भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो बाहर निकले। हालांकि मैं इधर से जा रहा था खाना खाने के लिए, क्योंकि मैं अमेठी कवरेज पर हूं, और अमेठी में रात के लगभग 10:15-10:30 का वक्त हो रहा होगा, लेकिन जनता की आम राय क्या है, और खासकर अमेठी में राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी, और देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो जनता की राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, अमेठी लोकसभा से।